कि शुएब मलिक ने एक स्टेटमेंट सुनी शायद हमारे शो से और अपने शो पे उन्होंने उस बात का जवाब दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा था यूसुफ भाई? कहा था कि आई लव यू यूसुफ भाई, लव यू टू, यंग ब्रदर है मेरा, बहुत करीब रहे हम। अच्छा, मुझे आप जरा लगते हैं कि आप यंग लगते हैं हमसे भी। नहीं नहीं, वो बहुत यंग है मेरे से। मैं 40 का होगा, मैं 49 का हूँ और हमने बहुत कठे टाइम गुजारा। मेरी तो सही है, मेरी सही है, उसका मुझे नहीं पता। यूसी मैं कहने लगा सी रातां काट के आफ्टरनून निकाल दे। माशाल्लाह, ये कि दोनों माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं। मैं शुएब की और यूसुफ की यारी को मैंने बड़ा देखा है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, इतना मजा आता है इनकी दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि शुएब मलिक की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला है, वो तो हम सब जानते हैं। नहीं, मगर यूसुफ की ना, यूसुफ की और उनकी केमिस्ट्री जो मिलती है ना, ये जैसे ये यूसुफ ने कहा ना कि इकट्ठे रहते थे जब इंजी कप्तान थे तो दोनों खेला करते थे, तो आई वॉज विद द टीम ऑल्सो, सो मैं इनको देखता था। ये इकट्ठा खाना खाना, नाश्ता करना, एक कमरे में रहना, इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। शुएब मलिक नेचुरली ये बहुत सही कहता है कि यू नो यूसुफ की बहुत इज्जत करता है और यूसुफ भी उतना ही प्यार करता है। वो 40 के नहीं लगते, ये 49 के नहीं लगते। ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है ना, ये हो किस लिए रही? पाकिस्तान के लिए। मेरी और उसकी तो कोई है ही नहीं इसमें, हमारे हम दोनों के आपस में कोई नहीं है। एक चीज़ और थी जो वसीम भाई के बारे में और मोइन भाई के बारे में मैंने कहा था कि पहले सुन लें उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, मुझे उम्मीद पूरी उम्मीद थी कि वो ये बात नहीं कर सके। वो मोइन भाई ने फिर की भी है कि यार ये टाइम नहीं है ये बात करने का। वो सवाल था आप लोगों का हमसे, वो आपकी स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने तो हाँ ये उन्होंने स्टेटमेंट कह दिया और ये मेरा किसी और ने कही है, मलिक ने नहीं कही। नहीं, वो जो होस्ट है उन्होंने कहा कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे बोला, नहीं अब उन्होंने वो मिसअंडरस्टैंड किया। तो यस, अच्छी बात ये है, वी आर कम्युनिकेटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट, और हम हशश नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप हशश करके अंडर द कारपेट चीजें कर देते हैं तो तब शायद दिलों में डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं। और हमारे जोर का जोड़ में ना डे वन से यही बात हो रही है कि जो टीम हमारी वर्ल्ड कप के लिए गई है ये टीम हमारी है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपका मौके बड़ा क्लियरली डे वन से यही है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म होने तक कप्तानी वाली बात के ऊपर बात भी नहीं होनी चाहिए, दीगर नाम जो लिए जा रहे हैं वो आपका मौके अगेन जो है वो आपने सामने। मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमने अपने कप्तान को एक तो ये देखें, वो आया हुआ है मेरिट पे जी, ये मेरिट वाली चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इमरान भाई का मैंने कल भी बताया है कि भाई 3 वर्ल्ड कप कप्तानी की उन्होंने, ये तो अभी पहला कर रहा है वर्ल्ड कप। बट आप जब आप बात करते हैं ना 83, 87 एंड देन 92, डायनामिक्स बहुत चेंज थे। सबसे पहले तो डायनेमिक्स ये चेंज थे कि आप 3 वर्ल्ड कप बार बार कह रहे हैं, तो तीसरा वर्ल्ड कप तो ये बाबर का भी है। 2 वर्ल्ड कप हमने उसको T20 के होता तो है ना, क्रिकेट तो क्रिकेट है, वर्ल्ड इवेंट तो वर्ल्ड इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी बाबर का तीसरा ही वर्ल्ड कप है। नहीं, बीच में फिर उन्होंने नेहरू कप भी किए हुए, शारदा कप भी किए हुए, वो भी आईसीसी के इवेंट होते हैं। वो उस वक्त डायनेमिक्स मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट थी। उस वक्त देखें जावेद भाई कितने बड़े प्लेयर थे, उनके होते हुए उनको भी बना सकते थे। इधर तो बाबर से इतना बड़ा बैट्समैन तो कोई नहीं है जितना बड़ा बाबर बैट्समैन है, तो कैसे हम बात कर सकते। जावेद भाई तो बहुत बड़े प्लेयर थे, जहीर बास होंगे, 3 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, बाबर आजम हैज कैप्टन द टीम फॉर अ अच्छा खासा स्पेल। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि लगातार ऑन द स्ट्रेच ही हैज गॉट 3 ईयर्स, बट वही फिर सारी बात आ जाती है कि उस कॉन्वर्जेशन को वहीं अभी ब्रेक लगा देनी चाहिए, बिकॉज हमारी टीम एक इवेंट में है। बट मुझे भाई, मैं एक चीज़, मतलब मुझे कभी कभार बड़ा ऑड इस बात पे लगता है कि एक मैच हम इंडिया से हारते हैं, यही एशिया कप में हुआ, एक मैच हम इंडिया से हारे और पूरी हमारी कैंपेन, वो टीम जो कि पहले दिन जब एशिया कप में खड़ी हुई थी तो हमने कहा था ये एशिया कप भी जीतेगी, ये तो वर्ल्ड कप में भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर होगी, और सारी प्लानिंग तितर बितर हो गई। मतलब मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि आईसीसी ने जो है वो सबसे पहला मैच हमारा इंडिया के खिलाफ नहीं रख दिया था, वरना तो हम बाकी 8 मैचेस कहते नहीं जी छोड़ के वापस आ जाए। आई थिंक हम बहुत प्यार करते हैं, हमारी नेशन है, हम अपने हीरोज का बहुत प्यार करते हैं। जब वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, मैं मोमिन के एक शो में हद कर दी में ना बात कर रहा था, और यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा किया, उसने अपने फैंस को बुलाया हुआ था तो डिस्कस क्रिकेट, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि अच्छा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसमें एक लड़का था बिलाल, आई थिंक उसका नाम था, उसने कहा कि मुझे लगता है कि हम एक मैच के ऊपर ना हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बीइंग अ नेशन वी आर रिएक्टिंग टू मच। दिस इज अ फैन दैट वाज सेइंग ये, एग्जैक्टली, बड़ा स्मार्ट था। उसने कहा कि वही है ना जो एक नंबर वन टीम बनी हुई थी आज से 2-3 हफ्ते पहले, आपकी वही टीम है जो आप कहते थे नंबर वन। आप अपना फैसला देते वक्त, अपनी वर्डिंग करते देते वक्त,
आपने ये ज़रूर देखना है कि ये स्पोर्ट्स है, ये हार सकते हैं, ये इनका खेल का हिस्सा है हार जीत। आप अपने हीरोज़ को सिर्फ इसलिए देखें कि माइंडसेट जब एक दिन बना लेते हैं, कैंडी से ये बात शुरू हुई जी। कैंडी में 4 विकेटें लेके जब हमने किया ना और बारिश की नज़र हो गया वो मैच, तो हमने वहाँ के एशिया कप भी जीत जाएंगे, अब वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, कैंडी से ये शुरू हो गया। yes. इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई इतनी, और हालांकि उसमें 4 विकेटें लेने के बाद इंडिया ने फिर भी 270 कर दिया था। तो हैविंग सेड दैट, कई दफा हम बहुत ज्यादा इमोशनल होके ऐसे अपनी कम्युनिकेशन कर देते हैं कि हम ये फेलियर को मानते ही नहीं है कि हमारी टीम गंदा खेल सकती है। तो इसलिए उस लड़के का, बिलाल की मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लेट्स वेट, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम कह रहे हैं कप्तान की बात नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ अपने एजेंडे के ऊपर लोगों को उड़ाना शुरू कर दूँ और अपनी किड़ निकालूँ, अपना गुस्सा निकालूँ या मैं पता नहीं क्या क्या बातें करूँ और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत के आ जाती है, डोंट यू थिंक सो, आई फील सो एम्बैरस्ड कि मैं आप किस तरफ मुंह लेके जाऊं। यू टर्न का मौका ही नहीं मिलेगा, का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर लोग ये है कि ले लेते हैं, ये चलता रहा है, हमने देखा भी इस वाले से। और अच्छा, बाबर की कैप्टनसी के हवाले से बात जा रही है जी जी। बाबर ने जो T20 वर्ल्ड कप 2 उन्होंने कैप्टन किए हैं, एक में हमने सेमीफाइनल खेला और एक में हमने फाइनल खेला, ये रिकॉर्ड अगर हम देखें रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। एशिया कप का एक फाइनल खेला, ये एशिया कप हमारा थोड़ा सा बुरा गया है, ट्रायंगुलर सीरीज न्यूजीलैंड में जीत के आए जी जी। हमारे मतलब रिकॉर्ड स्टैट्स जो है, विन रेशियो है, वो भी अच्छी रही है। भला जो डिस्कशन है वो इस वक्त हमारी यही, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इस वर्ल्ड कप तक, एटलीस्ट जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता, ये डिबेट जो है इसको रोकना हमें चाहिए, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तो इसी बात के साथ जो स्पार्क्स के लकी विनर हैं उसका नाम अब अनाउंस करते हैं, सस्पेंस को हम खत्म करते हैं। अच्छा, कल हमने सवाल किया था कि वर्ल्ड कप में पहली विकेट के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी शराकत कितने रन की है। अच्छा, इस पर हम लोग कल हिंट्स दे रहे थे मुशी भाई, कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, कितने रन छोड़ दें, लेकिन किस खिलाड़ी की ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी वर्ल्ड कप में रही है सबसे बड़ी? आई थिंक इजी है, बहुत आसान है, 96 की है ओपनिंग पार्टनरशिप में, एक ही नाम पाकिस्तान में ज़हन में आता है, सईद अनवर। बिल्कुल, सईद अनवर एंड आमिर सुहेल। नहीं, सईद अनवर एंड वजाहतुल्लाह वास्ती। यस, सईद अनवर एंड वजाहतुल्लाह वास्ती। यस, और वो नंबर बड़ा जो है वो गोल्डन नंबर है 194, एक तवील अरसे तक वनडे क्रिकेट का ये रिकॉर्ड रहा, ये रिकॉर्ड भी सईद अनवर के नाम रहा। तो ये नाम जीता है आमना गुलजार, एथिकली उन्हीं के रहना चाहिए था क्योंकि 15 ओवर के सर्कल में किया था उन्होंने। yes. मतलब yes. एक बॉल से किया था, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट, और मतलब वो क्रिकेट जो आप हमेशा यूसुफ भाई बात करते हैं उसका तो लकी विनर को बता दें आप, आमना गुलजार है, फारुखाबाद से इनका ताल्लुक है। तो आमना, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। बड़ी मुझे खुशी होती है जब ऐसे क्रिकेटिंग क्वेश्चंस पे जो है ना किसी फीमेल का नाम फिर अनाउंस कर दें कि आमना ने क्या जीता। बिल्कुल जी, सो आमना आपने स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन जीता है और आप करें शाइन विद स्पार्क्स। बहुत बहुत मुबारक हो आमना आपको, और जो आमना के साथ साथ और लकी विनर हो सकते हैं उनके लिए आज का सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह क्या है। वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, आपने ये बताना कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह क्या है, और अपना मुकम्मल नाम और एड्रेस आपने लिखना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 03466503661। इस नंबर पर अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस व्हाट्सएप करें और